देर में हमारी गाड़ी आएगी यहाँ से वलसाड़ सीधा, वहाँ से बाहर नेरा डूंगर हम जाएंगे माँ चामुंडा के दर्शन। ये आगे है मेमू, लेकिन इसमें हम नहीं, इसके बाद आने वाली गाड़ी में जाएंगे। आ गए वलसाड़, अब जाएंगे पारनेरा। बोलो चामुंडा माता की। ये वलसाड़ के फेमस वड़ा पाव यहाँ मिलते हैं, लेकिन कहाँ मिलते हैं पता नहीं। देखते हैं बाद में, रिटर्न में देखते हैं। ये राजा रानी के वड़ा पाव। अब पान ले आ गए। ये यहाँ के सारे छोटे छोटे स्टॉल हैं। अब माता जी का चुंदरी और नारियल ले लेते हैं, फिर जाएंगे ऊपर। ये कितने का दीदी? ये नारियल चुनरी 50 रुपये और वो 30 रुपये। ओके चलो, हमने ले लिया है चुनरी। अब यहाँ से जो ट्रैक शुरू होता है, जो सीढ़िया है डूंगर की, ये है। अब धीरे धीरे हम जाएंगे। बोलिए श्री चामुंडा जय, चलो बुलावा आया है। वैसे भी इस डूंगर में माता जी हमेशा डूंगर पे बिराजते हैं, या बाबा हो वो भी चढ़ते चढ़ते थक जाए। सारी चीजें यहाँ मिलती है सीढ़ियों पे। ये खटुमरा है, तमरक है। आगे बढ़ते हैं। वाह, ये चिड़ियों पे क्या है, तोरण है। घर के मुख्य द्वार पे लगाने के, मुख्य द्वार पे लगाने के लिए। ये पतझड़ का सूखा, बारिशों के दिन आसमान पे बादल है, आने वाले वक्त में चिड़ियों के ऊपर इस शेड लगा हुआ है, धूप ना लगे। वैसे भी आज मौसम बहुत अच्छा है, पवन भी चल, धूप तो है ही नहीं। फिर चिड़ियों के ऊपर बनाया हुआ है यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं है। माँ ऊपर बैठी है, भक्तों को कोई कष्ट नहीं होगा, सारी सुविधाएं है। हाँ, जिसे पैरों के दर्द तकलीफ हो उसे लगेगा थोड़ी देर। कैसा लगा? काफी मीठा है। उसी दिन में बरसात के दिन आने वाले, तब ये सारा पहाड़ हरा भरा हो जाएगा। अभी पेड़ों पे पत्तियां भी नहीं है, लेकिन जब बरसात होगी तो सारे वीरान जंगल में जैसे बाहर आ जाती है, ऐसा होगा। माँ की आस्था के कहीं भी रूप हो सकते हैं। मैं आपको देखे कुमकुम है, और हर एक सीढ़ी पे एक एक दिया जलाया होगा शायद। वाह, माँ चामुंडा के लिए देखो कुमकुम और दिया, अच्छी बात है। माँ के दरबार में माथा टेकने वाले कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं, स्वास्थ्य से लेके सारी कामना करते हैं माँ। पवन भी अच्छा है और टूरिस्ट भी ज्यादा है, कहीं सारे टूरिस्ट आए हुए मेरे पीछे भी देख रहे हैं। और रास्ते में ही पानी हो या गन्ने का जूस हो, सब मिलता है। और ये पर्व भी बना हुआ है, माँ के भक्त हर पूनम को यहाँ पूनम भरने आते हैं। जैसे आजू बाजू में से लोग, यहाँ सूरत से भी लोग आते हैं पूनम भरने के लिए, माँ के दर्शन के लिए हर पूनम को आते हैं। उसका प्रेम ही ऐसा होता है, बुलावा आ ही जाता है। कहीं सालों से हम भी आने की कोशिश कर रहे थे, आज मौका मिला। सारे खिलौने बच्चों के लिए,
क्या पवन चल रहा है रास्ते में। यहाँ काफ़ी सुविधा है, पानी के परब आते रहते हैं। वाह अच्छी बात है। जय चामुंडा माता की जय। ये कितने का है भाई? 10 रुपए का कम बिली पत्र दो कमल। हमने बिली पत्र लिया जो महादेव के सर्वश्रेष्ठ है बिली पत्र। और हमारे सामने माँ चामुंडा से पहले जैसे यहाँ लिखा है स्वयंभू प्रकट हुए श्री रामेश्वर महादेव का मंदिर पारनेरा डूंगर पे। यहाँ कोई संस्थापक थे पहले ब्रह्मलिंग रामदास जी कृष्णदास जी महाराज, वो संस्थापक है यहाँ के। इतने निकालते और दर्शन करते हैं महादेव के। महादेव हर एक स्वयं भू प्रकट हुए रामेश्वर महादेव के मंदिर के जो एक साइड है सारा व्यू है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बरसात के दिनों में तो काफ़ी है, सारा खिल जाता होगा। वाकई सारे नज़ारे, आगे तो नहीं जा सकते। मेरे हिसाब से वहाँ आगे समुद्र तो होगा। वलसाड में जो तिथल का दरिया किनारा है वो यहाँ से लगता है। यहाँ से दूर नहीं है, यहाँ से दरिया। ये सारे नज़ारे उसी के, बहुत ज़्यादा पवन है पर्वत के ऊपर। अब महादेव के दर्शन हो गए, अब जाएंगे माँ के दर्शन के लिए। ये पर्वत की चोटी पर बिराजी हुई है अभी चिड़िया। यहाँ से रास्ते का एक कुछ अलग ही मोड़ आ गया। वाह ये हमारे सामने वो शायद यहाँ से रास्ता जुड़ता होगा NH-48 से। वो दूर कहीं दिखाई दे रहा है, ये नज़दीक से वलसाड सिटी को जोड़ता है। यहाँ कोई पीर की दरगाह आई है चांद पीर बाबा की, उसे भी माथा टेक लेते। वाह बिल्ली अच्छा। जय चामुंडा जय माँ शक्ति। यहाँ आने वाले कुछ न कुछ मन में भाव लेके आते हैं। दर्शन तो हमेशा निस्वार्थ भाव से ही होता है शायद, लेकिन माँ है, माँ से हर कोई मांग सकता है और देती भी है। ये चामुंडा है हमारे सामने, अब माँ का मंदिर आ गया। पर्वत ऊपर हम चढ़, अब देखिए मंदिर की पहली झलक। अब कुछ ही चिड़िया बाकी, जाएंगे तुरंत फटाफट। जय माँ चलो चलो चलो। ये है माँ का दरबार, अब मंदिर में जाएंगे माँ के दर्शन करेंगे। चलो लोग तो कहीं दूर दूर से पैदल आते, हमने तो सिर्फ सीढ़ियाँ ही चढ़ की। अंदर तो लिखा तो है कैमरा है, शूटिंग सारे बंद। दर्शन करके आ गए। जय माँ चामुंडा। ये माँ का वाहन शेर।
मंदिर में जाके माँ के दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा। अंदर तो मोबाइल तो नहीं ले जा सके, कैमरा कुछ अलाउड नहीं था अंदर अंदर, तो बाहर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये मंदिर का सारा नज़ारा। मैंने जितना हो सकता था उतना दर्शन कराने की कोशिश की। आइए, बरसात के दिनों में तो काफ़ी अच्छा लगेगा, कोशिश करेंगे बरसात के दिनों में भी आएंगे सावन में। और नवरात्रि में तो यहाँ मेला सा लगता है, लोग यहाँ कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन माँ की आराध्या यहाँ होती है, लोग दूर दूर से आते हैं इस पर्वत पर, माँ को माथा टेकते हैं, अपनी मनोकामनाएँ सारी यहाँ पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करें। और माँ का दर्शन इस वीडियो के माध्यम से हमने कैसे यहाँ यात्रा की, आप भी उसे करवाइए, कोशिश और करूँगा मैं आपको दर्शन करवा। ये सारा मंदिर है, यहाँ से मैं जो हो सकता है उतना दिखा सकता हूँ। मेरे सामने यहाँ और भी सीढ़ियाँ है मंदिर के सामने, चलो चलते हैं। को पूछा नहीं है आगे क्या है, पर चलते हैं, ऐसा कोई और भी मंदिर हो सकता है। ये रास्ते जितने कठिन होते देव दर्शन को जाते हैं, या बाबा का हो माँ का हो, लेकिन थोड़ी देर लगता है थकान लगी, फिर जैसे दर्शन हो जाते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। चलो ऊपर देखते हो, या तो सिर्फ कोई व्यू पॉइंट बना हुआ है, चलो देखते हैं आगे क्या है। काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट बना हुआ है, और यहाँ से तो समुद्र का पवन ही आता होगा। देखिए मेरे सामने वो जगह, ये सारी सी साइड है, ये माँ का पर्वत है, ये माँ का मंदिर। चलो माँ के दर्शन हुए, व्यू पॉइंट देख लिया, अब जाएंगे सीधा नीचे। डूंगे उतर थे आराम से, आए थे ट्रेन में वलसाड़ तक, और वलसाड़ से ऑटो में बैठ के यहाँ पारनेरा डूंगा आराम से, वाहन की काफ़ी सुविधाएँ हैं। और यहाँ से फिर वापस वलसाड़, और वहाँ से गन्ने का रस पीने का सोच रहे, अच्छा जगह ज़्यादा ठंडा हो वहीं पी लेते। धीरे धीरे देखिए उतरने में तो काफ़ी आस, दौड़ दौड़ के उतरेंगे। ये आ गए गन्ने का जूस, हेलो ये गर्मी में काफ़ी अच्छा लगता है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस पिया, काफ़ी अच्छा लगा। अब जाएंगे नीचे, माँ के दर्शन भी हो गए, अब कहीं नीचे जाके वलसाड़ में पेट पूजा करेंगे। दर्शन करने के बाद हमें यहाँ जो श्रद्धा का विश्वास है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं बताए कि सीढ़ियों पे दीपक चढ़ाते, एक एक सीढ़ियों पे फूल लगाती हुई, ये नवदुर्गाए सीढ़ियों पे फूल लगाते हुए, ये श्रद्धा का भाव है। हमने दर्शन किए, अच्छा लगा, आप भी आइए। इस शुभकामना के साथ इस मंदिर से विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। जय माँ चामुंडा, जय माँ। ये है श्री संडी का है, रमरू का, नवदुर का, यानी कि चामुंडा। क्या है बच्चे तो कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, उसे ये सारा एडवेंचर उम्र भर याद रहते हैं। छोटी सी उम्र में गए थे, कोई भी आ सकता है। बरसात के मौसम में तो सारा ये हिल खिल जाता है। जंबो जंबो वड़ा पाव हमने खाए, काफ़ी अच्छे थे वड़ा पाव। कैसे लगे भाई? ओह उसकी था डिश में से क्यों ले रहे हो, खाओ खाओ। पारनेरा माँ चंडी माँ के दर्शन करे चामुंडा के, उसके बाद भूख तो लगी थी। यहाँ लोग कहते हैं अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, ये राजा रानी के वड़ा पाव। वलसाड़ से पहुँच गए वापस सूरत, ये गाड़ी में ये है। कैसा लगा सफ़र? अच्छा लगा।